जी हाँ, हो गई है सुपर ओवर की शुरुआत। और ये हमारा सुपर ओवर 2 ओवर का है और इसमें दोनों श्रीलंका के ओपनर आ गए हैं और हम इस धीमी पिच के होने के कारण वाशिंगटन सुंदर से बॉल करवाएंगे। कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर। और ये सुंदर आते हुए पहली बॉल लेकर कैसी शुरुआत हो पाएगी, कम से कम रन पे हमको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्विंग बॉल डालते हुए पहली बॉल देखते हैं किस टप्पे पर डालेंगे। पहली बॉल लगता है वाइड, डाल दी और ये वाइड हो जाएगी। अगली बॉल देखते हैं कहाँ पर डालते हैं, ये भी इन स्विंग का ही प्रयास करेंगे, स्विंग कराने की कोशिश करेंगे और ये डालते हुए क्या कर पाएंगे, क्या बड़ा शॉट। नहीं, मुश्किल से एक डेढ़ स्टंप दिख रही थी उस एंगल से, और क्या सटीक निशाना इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत। बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं। अभी तक तो बल्लेबाजों को बिल्कुल खामोश रखा हुआ है, क्या ऐसी प्रकार से ओवर की समाप्ति कर पाएंगे। देखते हैं ये बॉल, ये आउट स्विंग बॉल है और ये फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन। अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा। अभी तक 3 बॉल में सिर्फ 2 ही रन दिए हैं, जबरदस्त शुरुआत की है भरत सुंदर ने। ये बॉल पे क्या करेगा ये बैट्समैन, हवा में मारा है उठा के और गेंदबाज की बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज का खाता खुला ही नहीं। फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। क्रीज पर आए हैं नए बल्लेबाज, उम्मीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे। नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर, देखते हैं क्या करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ बड़ा शॉट ट्राई करेंगे पहली बॉल पर। देखते हैं, ये ट्राई तो किया है और ये जबरदस्त कैच, जजमेंट का सही नतीजा, बढ़िया कैच, एक और सफलता, दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंदबाज इज ऑन अ रोल। इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है, कहते हैं स्लो स्टेप। हैट्रिक पर आ गया है बॉलर, क्या शानदार स्पेल डाला है अभी तक, बिल्कुल रन नहीं खर्चे हैं सुपर ओवर के पहले ओवर में और अभी तक 2 ही रन दिए, 5 ओवर में 2 विकेट चटका चुके हैं। और ये लास्ट बॉल इस ओवर की क्या कर पाएंगे, क्या समाप्ति अच्छे से कर पाएंगे। और ये उठा के मारा है, लगता है बाउंड्री मिल जाएगी। करीबी मामला था, विकेट मिलती तो हैट्रिक होती। आखिरी गेंद पर 6 लगाकर फेयरवेल सा कर दिया है गेंदबाज का। ओवर की समाप्ति, नाउ ओवर टू द नेक्स्ट बॉलर। पहली बॉल पर, लास्ट बॉल पर छक्का खाने के बाद भी सिर्फ इस ओवर में 8 ही रन आए हैं, तो क्या अगला ओवर भी बिल्कुल अच्छे से डाल के जितने कम रन पे रोका जा सके उतना ही अच्छा है। यहाँ पर भी हम ऑफ स्पिनर को बॉल देना चाहेंगे, चहलाए हैं बॉलिंग करने के लिए, क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंडर सामने हैं, थोड़ा पिटने का थोड़ा सा मामला खत्म भी हो सकता है राइट हैंडर अभी तो। और यह पहली बॉल पर लगता है ये देकर जाएगी आधा दर्जन रन, ऊंची दूर गई है रॉकेट की तरह। ये तो शुरुआत ही जबरदस्त अंदाज में कर दी इस ओवर की, क्या वापसी कर पाएंगे चहल। नेक्स्ट बॉलर को देखना पड़ेगा, नेक्स्ट बॉल किस टप्पे पर डालते हैं, ये दूसरा डालने का प्रयास है, देखते हैं क्या बच पाएंगे या फिर विकेट ले पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो उठा के मारा है, फिर से 4 रन। नहीं नहीं नहीं, ये बॉल तो बच गई, सिंगल डबल हो गया। सटीक थ्रो, डायरेक्ट हिट, बल्लेबाज खतरे में, मुस्तैद फील्डिंग, बैट्समैन संकट में। यह है दूसरा, क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्लेबाज, इस गेंद को ना तो पढ़ पाए ना जड़ पाए, बढ़िया गेंद। बल्लेबाज के मन में है थोड़ी सी शंका, अभी भी है खामोश। इनके तरकश में बहुत सारे तीर, दूसरा डाल के चकित किया बल्लेबाज, साधारण फील्डिंग और रन मिलेंगे बल्लेबाजी टीम को। इस बॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। टॉप स्पिन के वेरिएशन से तंग करना चाहते हैं बल्लेबाज को, अच्छा प्रयास, फील्डर का बढ़िया थ्रो, एकदम स्टंप्स के ऊपर। दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस, क्या वो हो पाएगी आज। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उस चलो छक्का और चौका खाने के बाद भी इस ओवर को बिल्कुल सही खत्म कर दिया है और सिर्फ 21 रन ही बनाया है, 22 रन का टारगेट है अपने सामने 12 बॉलों में। देखते हैं हाँ कैसे ये रन चेज कर पाएंगे, किस तरीके से इसको टारगेट करते हैं। और हमारे तरफ से दोनों हम ऐसे बॉल बैट्समैन को उतारेंगे जो कि जबरदस्त तरीके से शुरुआत कर सके। एक तो यशस्वी जायसवाल होंगे जो कि पहली बॉल से मार सकते हैं और सेकंड आएंगे हमारे सूर्य कुमार यादव को भेजेंगे हम, देखते हैं क्या होता है इसमें से। हमारे धाकड़ बल्लेबाज है दोनों, यदि चल गए तो एक तरफा मैच कर सकते हैं। पहली बॉल
सूर्य कुमार यादव यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर हैं। यशस्वी जायसवाल वेल बॉल खेलते हैं, अमूमन देखते हैं किस तरीके की शुरुआत कर पाते हैं। यहाँ पर तो पहली बॉल को उठाकर मारा है और ये लगता है सिंगल ही हो पाएगा। अभी तो इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत। सेकंड बॉल की तैयारी होने वाली है। सेकंड बॉल यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव इस बार। सूर्य कुमार यादव ने ये भी उठा के मारा, लेकिन ये भी फील्डर के पास गई सीधी। बोलिंग टीम की एक जोरदार अपील, क्या सही समय पे पहुंच गए वो क्रीज में। अंपायर ने कहा जी हाँ, नॉट आउट। दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान। नेक्स्ट पर दुक्के के दो बॉल तीन रन आए हैं। बाउंड्री चाहिए यहाँ पर एक। सूर्य कुमार यादव क्या लगा पाएंगे बाउंड्री? ओ नो, सूर्य कुमार यादव के गिल्ले उड़ गए। सूर्य कुमार यादव ये क्या कर गया तू? कोई बात नहीं, संजू सैमसन को भेजेंगे। ये भी ताबड़तोड़ शुरुआत दे सकते हैं और अच्छे तरीके से गेम को फिनिश भी कर सकते हैं। देखते हैं पहली बॉल खेलने वाले हैं, और पहली बॉल को उठा के मार दिया यहाँ पर, लेकिन सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ जिस तरीके की शुरुआत चाहिए थी, उस तरीके की शुरुआत अभी तक तो मिली नहीं। क्या यशस्वी जायसवाल वो शुरुआत दे सकते हैं? और ये तो शुरुआत दे ही दी है शायद, क्योंकि ये चौका लगा दिया है। और ये सिर्फ ऐसे बल्लेबाज हैं चौकों में नहीं, सिर्फ छक्के चौकों में डील करते हैं। अब चौका भी लगाया तो छक्का भी आने की आशंका पूरी तरीके से, हमको ये छक्का भी लगा पाएंगे यहाँ पर। कोशिश करते हैं, दो बॉल बची हैं, लास्ट की एक बॉल और ये मार दिया है। चौका नहीं, पूरा छक्का लीजिए। क्या बैटिंग करता है यशस्वी जायसवाल यार, लास्ट दो बॉलों में 10 रन, अच्छा खासा ओवर जा रहा था बॉलर का, उसको दो बॉल में भी गया। अब सिर्फ चाहिए जीत के लिए 7 रन। गेंदबाज कर रहे हैं निर्णायक और सबसे रोमांचक ओवर की शुरुआत। 7 रन चाहिए जीत के लिए। संजू सैमसन स्ट्राइक पर है, पहली बॉल डालते हुए बॉलर असरंगा, और ये पहली बॉल पर मारा तो है, क्या बाउंड्री मिलेगी? नहीं, सिंगल ही मिल पाएगा। पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी जायसवाल है ना, अगली बॉल सिर्फ 6 रन चाहिए, क्या छक्का लगा पाएगा? ओ हो हो हो, छक्का। गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में, 6 रन। चौका नहीं, सीधे छक्कों से डील करता है ये खिलाड़ी, जबरदस्त अंदाज में खेलता है। क्या खा के आता है कोई पता नहीं इसका। सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए। क्या जायसवाल यहाँ छक्के से खत्म करेंगे मैच को? लड़ाई की समाप्ति हो रही है यहाँ, बैट्समैन की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे। तो बॉल्ड होकर वापस जाते हुए यशस्वी जायसवाल, लेकिन अपना काम कर गए हैं वो। अब हमने पंड्या को उतारा है, सिर्फ एक रन लेना है और अपना काम हो जाएगा। तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। 3 बॉल हैं, 1 रन चाहिए। हार्दिक पंड्या और ये बड़ा शॉट का प्रयास, और जीत गए हैं। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना। अंत में जीत गए, लेकिन सेलिब्रेशन आपको बता रही है कि इस जीत का महत्व पहचानती है। गेंद के साथ मैच को पलटा, बैट के साथ मैच को लपका, इसे कहते हैं ट्रू ऑलराउंड परफॉर्मेंस। मैन ऑफ द मैच इन्हीं को मिलेगा।